हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैं कंपनीज एक्ट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में बात करूंगा। ये सिर्फ एग्जामिनेशन में ही नहीं, रादर डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि ये नंबर क्या है, दैट इज़ कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर को देखते ही आप पता लगा सकते हैं कंपनी किस सेक्टर में वर्क कर रही है, क्या ये कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, इसका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। ये पर्टिकुलर नंबर बहुत हेल्पफुल है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कंपनी का टाइप क्या है, क्या ये लिस्टेड है, क्या ये कंपनी अनलिस्टेड है, और इसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है मतलब कि जो कंसर्न ROC है जहाँ पर ये कंपनी रजिस्टर्ड है वो किस स्टेट में है। आप सारी इन्फॉर्मेशन इस नंबर से देख सकते हैं। जब भी आप किसी भी तरह के जो कॉरपोरेट है, दैट इज़ एग्ज़ाम्पल है जैसे कंपनीज हैं KFC, मैकडोनल्ड्स, आपको जो बिल दिया जाता है उसके ऊपर ये 21 डिजिट्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड मेंशन रहता है, बट इसकी नॉलेज ना होने के कारण हमें ये चीज़ें नहीं पता चलती कि ये कंपनी है क्या। तो आपको मैं बहुत ही ईजी फॉर्म में इस वीडियो में बताऊँगा कि ये नंबर एक्चुअली है क्या और इसका रोल क्या है जब भी हम कंपनीज की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये 21 डिजिट्स कोड है और ये अपने आप में एक यूनिक कोड है जो हर कंपनी को अलॉट किया जाता है। इसके जो 21 डिजिट्स हैं, दैट इज पहला जो डिजिट है, देन फॉलोड बाय 5 डिजिट्स, देन 2, 4, 3 एंड 6। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो सीक्वेंस में इन टोटेलिटी 21 है। सबसे पहला डिजिट ये बताता है कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। तो इसका जो कोड है दैट विल बी L और U। तो आपको L से पता चलेगा कंपनी लिस्टेड है, U का मतलब कंपनी अभी अनलिस्टेड है। जो नेक्स्ट 5 डिजिट हैं, दैट इज द न्यूमेरिक कोड, दैट सिग्निफाइज द इंडस्ट्री कि ये कंपनी किस इंडस्ट्री में वर्क कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कोड दिया 85110। देन इसके बाद जो होंगे 2 डिजिट्स, दैट इज़ फॉर द स्टेट। अब स्टेट में क्या होगा, जैसे फ्रेंड्स गाड़ियों के नंबर पे PB MH CH हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये गाड़ी चंडीगढ़ की है या महाराष्ट्र की है या किसी भी अलाइड स्टेट की है। लाइकवाइज इस पर्टिकुलर कोड में जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स होंगे दैट विल बी फॉर द स्टेट, इट कैन बी PB MH HR, कहीं का भी हो सकता है जहाँ पे वो कंपनी कंसर्न्ड ROC में रजिस्टर्ड है। इसके बाद जो 4 डिजिट्स हैं दैट इज़ फॉर द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन और वो पूरे का पूरा लिखा जाएगा। एग्जाम्पल 1990, तो 1990 पूरा लिखा जाएगा जो सीरीज में होगा। देन इज वेदर द कंपनी इज पब्लिक और प्राइवेट, तो आपको ईजिली पता चल पाएगा कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है और इसका कोड है PTC या फिर PLC। फ्रेंड्स, दोनों में से एक चीज़ होगी, या PTC होगा या PLC होगा। तो ये भी एक तरीका है जानने का कि आप जिस भी कंपनी से डील कर रहे हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं या आप कंज्यूमर हैं, यू विल गेट टू नो कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है जैसे ही आप इस नंबर को देखते हैं। और ये जो कंपनीज हैं, दैट इज मैंडेटरी कि उनके बिल के ऊपर ये चीज़ मैंशन रहती है, दैट इज CIN। तो आप इजिली देखते से आप पहचान सकते हैं कंपनी लिस्टेड है अनलिस्टेड है, इसका इंडस्ट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा है, प्राइवेट है या पब्लिक है। और जो एंड वाले 6 डिजिट्स हैं, दैट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर बाय ROC। तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये 21 डिजिट कोड है, दैट इज CIN। अब एक नंबर मैंने मेंशन किया है U15540 MH1984 PTC 127572। अब जो U का मतलब अनलिस्टेड कंपनी, 15540 दिस इज फॉर वाटर, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आता है उनका जो इंडस्ट्री कोड है दैट इज 15540। देन इज MH इज महाराष्ट्र के, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड महाराष्ट्र से है। 1984 इज द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, PTC इज
private company. That is the code given by ROC 127572. आप easily identify कर पाएंगे कि ये 21 digits जो bill के ऊपर mentioned है, इसका role क्या है, इसका meaning क्या है. अभी हम check करते हैं कि अगर आपको किसी भी company का जो CIN है, अगर आपको find करना है corporate identification number, तो आप कैसे find कर सकते हैं. तो आपको mca.gov.in पे जाना होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे. तो आप जैसे ही वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, होम, अबाउट एमसीए, एक्ट्स एंड रूल्स. तो आपको एमसीए सर्विसेज पे जाना है. एमसीए सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, दैट इज फाइंड CIN, दैट इज कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर. इसको क्लिक करना है. That is find CIN on the basis of company or LLP. तो आप सबसे easy तरीका है company पे क्लिक करके आप company के नाम के ऊपर ही सर्च कर सकते हैं. Search based on existing company or LLP. तो आप यहाँ से option choose कर सकते हैं that the name ends with, starts with. तो यहाँ पे हम जो सबसे बढ़िया company that is Reliance के बारे में सर्च करते हैं, character fill करने हैं जो दिए हुए हैं. तो आपको जो CIN है दैट इज आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आप यहाँ पे जो रिलायंस की जो कंसर्न कंपनीज हैं सबका चेक कर सकते हैं कि इनका नंबर क्या है. अब किसी भी का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. यू इज़ फॉर अनलिस्टेड, देन इज द सेक्टर महाराष्ट्र, MH स्टेट. 1997 इज द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. PLC is public limited. 166329 is the sequence code by ROC. Likewise, किसी और कंपनी का एग्जाम्पल आप यहाँ पे, जैसे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड. L is for listed. 65910 इंडस्ट्री महाराष्ट्र. 1996 is the year of incorporation. Public limited. 165645 is the ROC code. फ्रेंड्स, आप इतने इजी वे से आप किसी भी कंपनी का CIN चेक कर सकते हैं. यहाँ पे डिटेल एंटर करके दैट इज कंपनी और सर्च करके आपको सारा डेटा मिल जाएगा mca.gov.in वेबसाइट पे. फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें. जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा इस चैनल पे, आपको साथ के साथ उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप इजीली उस वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे. थैंक्स अ लॉट.